फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमने मैटर चैप्टर जो है वो पहले हम पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसको ज़रूर पढ़िए, प्लेलिस्ट में वीडियो दिए हुए हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे उसकी मैटर की प्योरिटी के बारे में। अब जो मैटर की प्योरिटी, मैटर मीन्स कोई भी सब्सटेंस, उसकी प्योरिटी, तो जब हम किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी की बात करते हैं तो रियल लाइफ में जो प्योरिटी की डेफिनेशन होती है वो काफ़ी अलग होती है, और साइंस की लैंग्वेज में जो प्योरिटी की डेफिनेशन है वो अलग होती है। यहाँ हमें पढ़ना है साइंस के टर्म में प्योरिटी क्या होती है। पहले मैं आपको रियल लाइफ की प्योरिटी के कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि आप मार्केट में घी खरीदने गए और दुकानदार ने बोला बड़ा प्योर घी है, ले जाइए आप, बढ़िया यूज़ करिए, खाइए पिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पर हमने घर पर बोलते हैं कि कैसा घी है, तो बोले बड़ा प्योर घी है एकदम। पर जब हम साइंस के टर्म में बात करेंगे वो घी एक्चुअल में प्योर नहीं है। ऐसे हम मिल्क को प्योर बोलते हैं, पर साइंस के टर्म में घी मिल्क भी प्योर नहीं है। हनी को भी हम प्योर बोलते हैं पर साइंस के टर्म में नहीं है प्योर। पर ऐसा क्यों? साइंस में प्योरिटी का मतलब होता है अगर कोई सब्सटेंस केवल एक सिंगल टाइप ऑफ मैटर से बना हो, उसमें और कोई दो तीन तरह के मैटर नहीं हो, केवल एक पर्टिकुलर सब्सटेंस हो तो हम उसको प्योर बोलेंगे। पर जब हम हनी, मिल्क और घी की बात करेंगे तो हनी में भी शुगर है, उसमें कुछ प्रोटीन्स होंगे, कुछ वाटर होगा, तो अलग अलग टाइप के उसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, तो हनी क्या है, प्योर नहीं है। सेम केस घी में भी होता है और घी और मिल्क में भी होता है। तो मिल्क, घी और हनी को हम प्योर बोल रहे हैं अपनी रियल लाइफ में, पर साइंस की टर्म में वो प्योर नहीं है। तो साइंस में जो प्योरिटी है वो क्या कहती है, साइंस की हम प्योरिटी की बात करेंगे तो साइंस की प्योरिटी ये कहती है, इफ एनी सब्सटेंस इज मेड ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, अगर कोई सब्सटेंस केवल एक टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हो तो उसको हम क्या कहेंगे, प्योर कहेंगे। तो फिर क्या प्योर हुआ? जैसे हम शुगर की बात करते हैं तो शुगर की हम जब बात करेंगे तो शुगर जो होता है वो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना होता है, जो कि शुगर पार्टिकल होता है ना, ग्लूकोज पार्टिकल C6H12O6, इस पार्टिकल से शुगर बनी हुई है। तो उसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है और कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे, शुगर क्या है, प्योर है। कॉमन सॉल्ट की बात करते हैं, जो नमक खाते हैं वो भी प्योर नहीं होता है, जो आप घर में यूज़ करते हैं वो। पर अगर क्यों प्योर क्यों नहीं है, क्योंकि जो आप घर में यूज़ करते हो उसमें कुछ आयोडीन्स और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से उसमें क्या है, मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो आपका जो कॉमन सॉल्ट है वो प्योर नहीं है। तो कॉमन सॉल्ट में भी प्योर मिल जाता है, जैसे कि जो कॉमन सॉल्ट बनता है जहाँ पर सी, ओशन और सी के पास में, और उसमें कुछ अभी मिक्सिंग नहीं की गई है, कोई चीज़ मिक्स नहीं है, केवल वो सॉल्ट है, तो वो सॉल्ट क्या होगा, प्योर होगा। ऐसे ही हम वाटर की बात करें तो हमें लगता है कि वाटर क्या है, प्योर है, जो आपके घर में आता है, पर नहीं होता है वाटर प्योर, क्योंकि आप प्योर वाटर नहीं पीते हो। आप जिस वाटर में पीते हो उसमें काफ़ी सारे मिनरल्स वगैरह मिले होते हैं ऑलरेडी, तो वाटर भी क्या होता है, प्योर नहीं होता है। पर प्योर वाटर भी यूज़ होता है, क्योंकि आप लोगों ने कहीं सुना होगा कि बैटरीज वगैरह जो होती हैं उसमें पानी डाला जाता है, तो बैटरीज में जो वाटर डाला जाता है वो कौन सा वाटर डाला जाता है, डिस्टिल वाटर। तो डिस्टिल वाटर जो है वो भी क्या है, प्योर वाटर है। तो साइंस के टर्म में इस शुगर और इस वाटर को हम क्या कह सकते हैं, प्योर कह सकते हैं, क्योंकि ये जो सब्सटेंसेस हैं वो ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने होंगे। तो आपको प्योरिटी समझ में आई होगी यहाँ पर क्या बोलते हैं। तो अब जब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, नॉर्मल वाटर की, तो ये मैंने बताया ये प्योर नहीं है, ये क्या है, फिर क्या होगा, ये इसमें मिक्सचर होगा, क्योंकि ये किसमें क्या होंगे, मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, मिक्स होंगे, तो हम इसको मिक्सचर कहेंगे। कॉमन सॉल्ट की बात करें, जो आप घर में सॉल्ट यूज़ करते हो जिसको हम आयोडाइज सॉल्ट बोलते हैं, आयोडाइज सॉल्ट की बात करें तो ये भी क्या है, मिक्सचर है, ये भी एक तरह का क्या है, मिक्सचर है। तो इसी में, इस चैप्टर में हमें प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर इन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो हम देखते हैं क्या क्या होता है इस चैप्टर में। और तो ये जो डेफिनेशन थी
ये प्योर सब्सटेंस की थी। अब थोड़ा मिक्सचर की डेफिनेशन देखते हैं। मिक्सचर की डेफिनेशन क्या होगी? मिक्सचर्स आर दो सब्सटेंसेस दैट आर constituted by more than one kind of pure form of matter. तो मिक्सचर क्या हुए? ऐसे सब्सटेंस हुए जिसमें मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर हो, मतलब जिसमें मैटर के कई सारे मैटर प्रेजेंट हों, तो उन्हें हम मिक्सचर बोलेंगे। तो मिक्सचर के एग्जांपल क्या क्या है? आप नमकीन खाते होगे, तो नमकीन क्या है? मिक्सचर है, क्योंकि नमकीन में बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें मूंगफली भी होती है, उसमें सेव भी होती हैं, पता नहीं क्या क्या पोहे वगैरह क्या क्या मिक्स होता है, तो वो क्या है? मिक्सचर है, क्योंकि वहाँ पर मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे। अब हम थोड़ा सा पीओटी की तरफ फिर से जाते हैं। पीओटी के बारे में आप नोट डाउन करते रहिए, आप अपनी नोट्स बनाते रहिए, जो कि आपको एग्जाम टाइम पे काफ़ी हेल्प करेंगे। आप इसी को प्रिपेयर करके आप अपने एग्जाम में आंसर्स को लिख सकते हो। अब थोड़ा सा पीओटी के बारे में और पढ़ते हैं। पीओटी भी टू टाइप की पीओटी होती है। पीओटी की बात करें तो पीओटी टू टाइप्स की है, यहीं पर मैं बना देता हूँ। एक होती है एलिमेंट और दूसरी होती है कंपाउंड। तो एलिमेंट फॉर्म की जो पीओटी है, इसमें क्या होता है कि जो मैटर है वो सारा एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। कंपाउंड की बात करें कंपाउंड फॉर्म ऑफ पीओटी की, तो वहां पर जो भी मैटर होगा वो सारा काय का बना होगा? कंपाउंड्स का बना होगा। एलिमेंट्स क्या होते हैं? उसमें केवल सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट हो, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, गोल्ड हो गया, गोल्ड को AU बोलते हैं, सिल्वर हो गया AG बोलते हैं। इस तरह के क्या हो? एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, केवल सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट हो उस मैटर में, तो उस पीओटी को बोलेंगे एलिमेंटल फॉर्म ऑफ पीओटी। कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि मोर देन वन एलिमेंट से बने हो। जैसे मैं वाटर की बात करता हूँ तो H2O, शुगर की बात करता हूँ C6H12O6, एनिस कॉमन सॉल्ट की बात करता हूँ तो NaCl। तो यहाँ पर देखिए मोर देन वन, देखो एक एलिमेंट ये हो गया, दूसरा एलिमेंट यहाँ ये हो गया, यहाँ पर एक एलिमेंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा एलिमेंट ये है, यहाँ पर भी दो एलिमेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखोगे तो मोर देन वन एलिमेंट है, तो इनको हम कंपाउंड्स बोलते हैं। और कोई अगर मैटर इन्हीं कंपाउंड से बना हुआ हो, जैसे कि एक वाटर से कोई बना हो तो वाटर होगा, वो ये H2O से बना हो तो वाटर होगा, तो ये क्या होगा? कंपाउंड फॉर्म में होगा। तो पीओटी दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होती है, एलिमेंटल फॉर्म में और कंपाउंड। एलिमेंटल फॉर्म के मैं आपको समझ में आ गया होगा, एलिमेंटल फॉर्म में ये एलिमेंट्स हैं, ये कंपाउंड्स हैं। अगर एलिमेंट से कोई सब्सटेंस बना हुआ है तो उसको एलिमेंटल फॉर्म में प्योर बोलेंगे, अगर कोई सब्सटेंस इन कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है तो उन्हें कंपाउंड फॉर्म में प्योर बोलेंगे। तो एलिमेंट्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए? जैसे आप गोल्ड खरीदते हो, गोल्ड भी कौन सा वाला? 24 कैरेट गोल्ड। कॉपर, आयरन, सिल्वर, ये सारे क्या हैं? एलिमेंटल फॉर्म में क्या है? प्योर है। अगर कंपाउंड फॉर्म में अगर किसी चीज़ की प्योरिटी की बात करें तो वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, काफ़ी सारी चीज़ हो जाती हैं, अल्कोहल भी कह सकते हैं हम। तो ये सारे जो एग्जांपल हैं ये क्या हैं? एलिमेंट, ये कंपाउंड फॉर्म में प्योर के हैं। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, मिक्सचर में मिक्सचर के और टाइप्स पढ़ते हैं। ये हमारा केवल प्योर सब्सटेंसेस के बारे में था। प्योर सब्सटेंसेस के बारे में हमें ज़्यादा इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, हमें जो पढ़ना है वो मिक्सचर्स के बारे में पढ़ना है। तो हम मिक्सचर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हम देखते हैं मिक्सचर को कैसे और आगे क्लासीफाई किया गया। तो पुराना क्लासीफिकेशन भी लिख लेते हैं थोड़ा सा। मैटर को हमने दो चीज़ में क्लासीफाई किया, प्योर सब्सटेंसेस और मैं एक और टाइप क्या था? मिक्सचर।
प्योर सब्सटेंसेस को भी हमने दो टाइप में क्लासिफाई किया, अभी हम पढ़ चुके हैं, जो कि एलिमेंट फॉर्म में और दूसरा कंपाउंड फॉर्म में। अब मिक्सचर को, मिक्सचर मैंने बता दिया था आपको क्या होता है, जिसमें मोर देन ऑफ वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है उसको मिक्सचर बोल रहे थे हम। मिक्सचर को भी अगेन क्लासिफाई किया जाता है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हेटरोजीनियस मिक्सचर। तो अब होमोजीनियस क्या होता है, हेटरोजीनियस क्या होता है वो पढ़ते हैं हम। होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़े, तो होमोजीनियस मिक्सचर कौन से मिक्सर होते हैं, मिक्सचर होते हैं ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसमें जो कंपोजिशन होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। मतलब कि अगर हम उसकी बात करें वो एक जैसा दिखता है और एक जैसा होता भी एक्चुअल में। इसके कुछ एग्जांपल देता हूँ तब समझ में आएगा। पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर लिख देता हूँ, होमोजीनियस मिक्सचर आर दोज मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। मतलब होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनमें क्या होता है, कंपोजिशन जिसका कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। मतलब उनके उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल, जैसे आपने वाटर लिया और वाटर में क्या डाल दिया आपने, ये वाटर है, वाटर में क्या ऐड कर दिया आपने, शुगर और ऐड कर दी, इसमें शुगर और ऐड कर दी। अब वाटर में शुगर ऐड करने के बाद आपको उसको स्टीयर करो, शुगर जो मिक्स होगी एकदम प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाएगी। और वो कैसे मिक्स होगी, हर पार्ट में, अगर इस पार्ट की बात करें तो यहाँ पर भी सेम होगी, यहाँ की बात करें इस पार्ट में तो यहाँ भी सेम होगी, यहाँ भी सेम होगी, यहाँ भी सेम होगी, यहाँ भी सेम होगी। तो एन इसका मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। हर जगह कैसा होगा, कंपोजिशन कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म यानी सेम रहेगा। जैसे कि आप इसको कैसे कि आप मान लो पानी निकालते हो, इसमें से वाटर निकालते हो, तो यहाँ से वाटर निकाला या इस एरिया से कहीं से भी निकाल लो, कितनी बार भी निकालोगे, हर बार जो आपको जो टेस्ट आएगा वो एग्जैक्टली सेम मीठा आएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ का निकाला तो अलग मीठा, यहाँ का निकाला तो अलग मीठा, नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब यही होता है कि जिसमें पार्टिकल्स कैसे हों, इक्वली हर जगह प्रेजेंट हो। इसका एक और एग्जाम्पल, आप इस वाटर शुगर की जगह आप क्या ले सकते थे, सॉल्ट भी ले सकते थे, तो यहाँ पर आप सॉल्ट भी रख सकते हो। या फिर आप घर में जो नींबू पानी बनाते हो, दैट इज कॉल्ड लेमोनेड प्लस वाटर, तो ये भी क्या है, इसी चीज का एग्जांपल है, किसका, होमोजीनियस मिक्सचर का, जिसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है हर जगह पर। अब थोड़ा सा हम देखते हैं हेटरोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं बेटा। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर सेम डेफिनेशन होगी, बस थोड़ा सा बस नोट लगा देना। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होंगे, मैं यहाँ पर हेट्रोजीनियस लिखा, एच एम शॉर्ट में लिख दिया, आर दोज मिक्सचर दैट हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। तो यहां पर मैंने कौन सा वर्ड लगा दिया, ये नॉन वर्ड लग गया, सेम डेफिनेशन रही, पर यहां पर कंपोजिशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। मतलब हर जगह जो पार्टिकल्स होंगे,
हर तरह के पार्टिकल नहीं मिलेंगे, कहीं पर कुछ पार्टिकल ज़्यादा होंगे, कहीं पर कुछ पार्टिकल कम होंगे, तो उन्हीं को हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो क्या हो गया, हेट्रोजीनियस HM यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर दोज मिक्सचर दैट हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। तो इसके एग्जांपल क्या होंगे, एग्जांपल की बात करें तो ऑयल प्लस वाटर, मतलब वाटर में क्या करो, पानी में थोड़ा सा ऑयल डाल दो तो मिक्स होगा, नहीं होगा, कंपोजिशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक और एग्जांपल ले सकते हैं अपन मड का, जो मड है वो भी क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं मिक्सचर के आगे के आगे और क्लासिफाई करते हैं मिक्सचर्स को। तो बेटा मिक्सचर के जो टाइप हैं वो मैंने बता दिए थे आपको, समझा दिए थे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब होमोजीनियस मिक्सचर के भी दो टाइप होते हैं, एक टाइप होता है सॉल्यूशन, दूसरा टाइप होता है कोलाइड। हेट्रोजीनियस में एक टाइप, हेट्रोजीनियस का एक टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। तो सॉल्यूशन क्या होते हैं, होम मतलब अगर हम सॉल्यूशन और कोलाइड, यहाँ पर कोलाइड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए कि कुछ बुक्स में कोलाइड को हेट्रोजीनियस में भी रखा जाता है और कुछ बुक्स में होमोजीनियस में रखा जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ पार्टिकल साइज का प्रॉब्लम है, पर अभी हम इस चैप्टर में तो मैं इन्हें होमोजीनियस में ही रख के आपको पढ़ाऊंगा। तो सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है यानी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा पूरे ऑल ओवर थ्रू आउट। तो सॉल्यूशन कोलाइड भी वैसा ही लगभग यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, और सस्पेंशन की बात करें तो ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन का एग्जांपल है। तो सॉल्यूशन का मैं कुछ, सॉल्यूशन में अगर पार्टिकल साइज के साइज की बात करूं तो ये पार्टिकल का जो डायमीटर होता है ये कितना होगा, लेस देन 1 नैनोमीटर। कोलाइड की बात करें तो यहां जो डायमीटर होगा मोर देन 100 नैनोमीटर, मोर देन 100 नैनोमीटर। और सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ डायमीटर जो होगा, सॉरी मोर देन नहीं होगा, यहाँ पर एक मीटर का स्पेलिंग सही। तो सॉल्यूशन के पार्टिकल के डायमीटर की बात करते हैं, यहाँ पर जो डायमीटर जो होता है पार्टिकल्स का, बेटा ये MET डायमीटर लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। नैनो भी एक मेजरिंग स्केल है, जैसे सेंटीमीटर मीटर होती है, काफ़ी छोटी होती है, पर ये यहाँ पर पार्टिकल का डायमीटर होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होगा। यहाँ पर पार्टिकल का जो डायमीटर होगा सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, मोर देन 1000 नैनोमीटर। बेटा यहाँ पर भी अपन 100 की जगह 1000 कर लेते हैं, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में भी हो सकते हैं कोलाइड्स। और सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज होता है मोर देन 1000 नैनोमीटर, 100 लिख रखा है यहाँ, 1000 नैनोमीटर होगा। तो मैंने ये बताया कि सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज होता है वहाँ पर डायमीटर जो होता है लेस देन 1 नैनोमीटर, अगर कोलाइड की बात करें वहाँ पर डायमीटर जो होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा, सस्पेंशन की बात करें मोर देन 1000 नैनोमीटर होगा। तो यानी पार्टिकल साइज सॉल्यूशन कोलाइड सस्पेंशन तीनों के अलग अलग होते हैं। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और है जिसके बारे में पढ़ना है, तीनों अलग अलग शो करते हैं। तो यहाँ पर जो पाई प्रॉपर्टी बात कर रहा हूँ, इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक लेज़र लाइट चाहिए। तो लेज़र लाइट की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें हम क्या करते हैं, मैंने एक कंटेनर लिया, कैसा ग्लास का कंटेनर है, ग्लास बीकर टाइप का, इसमें मैंने क्या पुट किया, सॉल्यूशन पुट किया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन, इसमें क्या है, सॉल्यूशन। तो जब इसमें से मैं क्या बीम ऑफ लाइट यानी बीम ऑफ लाइट बोलूँगा इसको मैं, बीम ऑफ लाइट मैंने जैसे ही पास की तो ये जो लाइट है वो हमारे को इस
बीकर के अंदर कहीं लाइट नजर नहीं आएगी, और लाइट उससे पास होकर आपको इस तरफ मिलेगी। तो ये किस केस में होता है? सॉल्यूशन के केस में। कोलाइड के केस में क्या होता है? अगर मैं यहाँ पर कोलाइड लेता हूँ, ये कोलाइड का केस हो गया, तो इसमें मैंने क्या रखा है? कोलाइड रखा हुआ है। जब मैं इससे एक बीम ऑफ लाइट, लेजर बीम ऑफ लाइट पास करूँगा, तो यहाँ पर जो लाइट है वो कैसी हो जाएगी? विजिबल हो जाएगा उसका पाथ, थोड़ा सा अपने को डार्क नजर आएगा, इस तरीके से होगा। अब ऐसा क्यों हुआ बेटा? यहाँ पर सॉल्यूशन में जो है पार्टिकल साइज क्या है? बहुत स्मॉल है, लेस देन 1 नैनोमीटर है, इसलिए पार्टिकल ने क्या किया? बीम ऑफ लाइट को बिल्कुल स्कैटर नहीं किया, मतलब जो लाइट गई वो पार्टिकल से कोलाइड नहीं हुई, एकदम पास हो गई, इसलिए हमारे को वो सॉल्यूशन में नजर नहीं आई। हमें लाइट तभी नजर आती है जब बेटा कभी रिफ्लेक्शन होता है, मीन्स वो टकराती है किसी चीज़ से, तो यहाँ पर वो टकरा ही नहीं पाई क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत स्मॉल था। पर कोलाइड के केस में जो पार्टिकल साइज है वो बड़ा होता है, तो यहाँ पर जो है क्या हुआ, लाइट ऐसे टकरा गई। कोलाइड के मैंने आपको एग्जाम्पल नहीं बताया, मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए। जैसे मिल्क, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल, मिल्क क्या है? कोलाइड है। आप मिल्क को भी रख के ये एक्टिविटी कर सकते हो, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, आपको बीम ऑफ लाइट को उसमें क्या है, नज़र आएगी। तो कोलाइड के केस में ये होता है, मतलब ये क्या होता है, स्कैटर कर रहा है बीम ऑफ लाइट को। जब सस्पेंशन की बात करेंगे, सस्पेंशन का एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ मड, यानी आपका कीचड़, क्योंकि उनके पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है। सॉल्यूशन में तो आपका शुगर वाटर हो जाएगा, वाटर प्लस शुगर। तो मैं अगर सस्पेंशन की बात करूं, तो ये मैं यहाँ सस्पेंशन के लिए ड्रॉ कर दे रहा हूँ बेटा आपके लिए। तो सस्पेंशन में क्या होगा, इधर इस तरफ कोई लाइट ही पास नहीं होगी, क्योंकि पार्टिकल साइज क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, लाइट इससे पास थ्रू ही नहीं कर पाएगी। तो ये केस किस में होगा? सस्पेंशन में होगा। तो सस्पेंशन बीम में क्या होता है, बीम ऑफ लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो सकती। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है इस एक्टिविटी से कि इनके जो पार्टिकल साइज हैं वो अलग अलग कैसे हैं। अगर मैं ये देखूँ इस केस में बेटा, जो पार्टिकल साइज है वो इतना छोटा है कि लाइट को स्कैटर ही नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर पार्टिकल साइज कोलाइड के केस में इतना थोड़ा बड़ा होता है, तो लाइट को स्कैटर कर देता है, इसलिए आपको लाइट का जो पाथ है वो विजिबल नज़र आ रहा है। सस्पेंशन की बात करें, तो सस्पेंशन में आपको लाइट का पाथ ही नहीं मिलता, क्योंकि वो लाइट पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है, क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है, मीन्स 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं हमारे सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो आपको और क्लियर होगा। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे इसमें। तो सॉल्यूशन क्या होते हैं बेटा? ऐसे पार्टिकल जिसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है थ्रू आउट। तो सॉल्यूशन की बात करें, एग्जांपल आपके वाटर प्लस शुगर, लेमोनेड, सॉल्ट प्लस वाटर, ये सारे क्या हो गए, सॉल्यूशन के एग्जांपल हो गए। सॉल्यूशन की खास बात क्या होती है, हमने पढ़ी थी, पार्टिकल साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर तक होता है पार्टिकल साइज। अब सॉल्यूशन के भी अगर हम बात करें, तो दो पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो पहले सॉल्यूट को पढ़ते हैं। सॉल्यूट क्या होता है, आपको पता होगा, कोई भी सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, हमें क्या मिल जाएगा बेटा, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन। तो कोई सॉल्यूशन किस दो चीज़ों से बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ी होगी शायद, सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होते हैं, नहीं पढ़े तो मैं क्लियर करा देता हूँ। सॉल्यूट क्या होता है, ऐसा कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, सॉल्वेंट जो होगा उससे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, सॉल्यूट जो है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो सॉल्यूट के बारे में लिखेंगे, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन component of solution that dissolve in solvent, मतलब solution का वो part जो कि किसमें dissolve होता हो, solvent में होता हो, मतलब वो घुल जाता हो, तो उसको क्या बोलेंगे,
सोल्यूट बोलेंगे, और ये क्या होगा, इट इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, मतलब ये कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, कभी ये सॉल्वेंट से ज्यादा नहीं होगा। अगर ये सॉल्वेंट से ज्यादा हुआ तो हम उसको सोल्यूट नहीं कहेंगे, फिर उसको हमें सॉल्वेंट ही कहना पड़ेगा। अब सॉल्वेंट की बात करते हैं, ये कौन सा कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का जिसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन That dissolve solute in it, मतलब जिसके अंदर solute क्या होता है dissolve हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं solvent बोलते हैं। तो आपको solvent और solute समझ में आया होगा। अब हम इसकी थोड़ी सी क्या बात करते हैं बेटा, थोड़े से type भी देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। अगर हम बात करें तो हम बेटा थोड़े से इनके सॉल्यूशन के बारे में और कितने कितने तरह के सॉल्यूशन प्रेजेंट हैं, सॉल्वेंट क्या हो सकता है, सॉल्यूट क्या हो सकता है, उसकी बात करते हैं। तो पहले केस में पहले हम बात करते हैं थोड़े से गैसियस सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं, गैसियस सॉल्यूशन। तो गैसियस सॉल्यूशन की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, गैस होगा। तो सॉल्वेंट गैस होगा तो सॉल्यूट क्या होगा, एक केस लेते हैं सॉलिड। तो सॉल्यूट अगर हमारा सॉलिड है और सॉल्वेंट गैस है तो उसका एग्जांपल क्या होगा, तो सॉल्यूट हमारा क्या हो गया, सॉलिड हो गया, सॉल्वेंट गैस हो गया, उसका एग्जांपल होगा हमारा कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फर आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो कपूर को अगर हम नाइट्रोजन गैस में मिक्स करें तो कपूर क्या हो गया, सॉलिड हो गया, ये क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और सॉल्वेंट क्या हो गई आपकी, नाइट्रोजन गैस हो गई। अब बात करते हैं सॉल्यूट क्या है हमारा, लिक्विड, और सॉल्वेंट क्या, अगेन गैस। तो क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म आपने जानते होंगे, जिसमें आपने मूवीज में देखा होगा, जो कि क्या करते थे, मुंह पे कपड़ा लगा देते थे कुछ दवाई डाल के और वो बेहोश हो जाता था, वो क्या होता था, क्लोरोफॉर्म होता था, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस। तो ये हो गया गैसेस सॉल्यूशन की, अब ये हो गया सॉल्यूट लिक्विड। अब सॉल्यूट हम क्या लें, गैस लें, और सॉल्वेंट भी गैस लें, तो इसका पॉपुलर एग्जांपल क्या है आपकी, एयर। तो देखिए बेटा किस किस तरीके से सॉल्यूट हो सकता है, तो मैंने यहाँ पर सॉल्वेंट को गैस रखा और सॉल्यूट मैंने सॉलिड लिक्विड गैस रखे, तो हर केस में देखिए बेटा क्या क्या हो रहा है। अब हम गैसेस सॉल्यूशन हो गया, थोड़ा सा लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा आपका बेटा, लिक्विड होगा। जब सॉल्वेंट लिक्विड होगा तो अब यहां पर हम सॉल्यूट, सॉल्यूट पहले क्या लें, सॉलिड लें। अगर हम सॉलिड में लिक्विड मिक्स करना सिंपल है, आपने अभी किया होगा, शुगर प्लस वाटर, जहां पर सॉल्यूट क्या था, शुगर है, और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड फॉर्म में यानी वाटर। अब हम बात करते हैं सॉल्यूट क्या है हमारा, लिक्विड, ये भी बहुत सिंपल एग्जांपल हो गया, आप लिख सकते हो इथेनॉल प्लस वाटर, मीन्स अल्कोहल जो लोग बाग पीते हैं उसको पानी में डाल के पीते हैं, तो वो भी क्या हो गया, इथेनॉल प्लस वाटर हो गया। अब एक और केस देखते हैं जिसमें सॉल्यूट क्या होगा हमारा, गैस होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा। तो आपने देखा होगा जो फिशेस होती हैं वाटर में क्या करती हैं, रेस्पिरेशन कर लेती हैं, ब्रीथिंग कर लेती हैं, क्यों कर पाती हैं, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है। तो वहां पर ऑक्सीजन क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और आपकी जो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, ये हो गया अपना सेकंड केस। अब लास्ट केस की बात करते हैं, गैसेस सॉल्यूशन हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, अब सॉलिड सॉल्यूशन की भी बात कर रहे हैं। सॉलिड सॉल्यूशन तो यहां पर आपका सॉल्वेंट क्या होगा बेटा, सॉल्वेंट होगा
सॉलिड। तो ऐसे केस में अगर हम बात करें तो सॉल्यूट, पहले केस में बात करेंगे हमारा सॉल्यूट क्या है बेटा, सॉलिड है। तो सॉल्यूट, सॉलिड का एग्जांपल क्या होगा, सॉल्वेंट सॉलिड में कॉपर, Cu लिख रहा हूँ कॉपर को, कॉपर सिंबल है कॉपर का, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। देखिए बेटा जो ज्वेलरी बनती है उस ज्वेलरी को प्रॉपर शेप देने के लिए नेसेसरी होता है कि हम कॉपर को गोल्ड में डिजॉल्व करें। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो आपका जो गोल्ड हो गया वो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और कॉपर क्या हो गया, सॉलिड हो गया। अब हमारा सॉल्यूट क्या है, लिक्विड है, और सॉल्वेंट क्या है, गैस है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट क्या है, लिक्विड सॉल्वेंट गैस। तो इसका एग्जांपल हो गया, सर पॉज कर दो, भूल गया ये। अब हम बात करते हैं हमारा बेटा सॉल्यूट क्या है, लिक्विड है। तो इसमें जो हमारा केस होगा, अमलगम ऑफ मर्क्यूरी, अमलगम ऑफ मर्क्यूरी इन सोडियम, ये इसमें क्या हो गया बेटा आपका, मर्क्यूरी जो हो गई वो क्या हो गई, लिक्विड हो गई, लिक्विड फॉर्म में होता है मेटल, और वो कैस में डिजॉल्व हो गया, सॉलिड में डिजॉल्व हो गया। तो वो क्या हो गया, सॉल्यूट क्या हो गया आपका, लिक्विड हो गया, और वो हो गया बेटा पहला जो केस था ना सॉल्यूट, सॉरी ये वाला नहीं, नीचे वाले में तो हाँ सॉलिड, हाँ ये वाला को सॉल्यूट क्या है हमारा, सॉलिड। इसमें मैंने कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड बोला, इसमें आप और भी एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे जितने भी अलॉयज होते हैं वो आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, सॉल्यूट क्या है हमारा, गैस, और सॉल्वेंट क्या हमारा, सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है। तो इसमें क्या बोलेंगे, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, पैलेडियम क्या होता है, एक मेटल होता है बेटा, उस मेटल के अंदर हम हाइड्रोजन गैस को भी मिक्स कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमारा सॉल्यूट क्या हो गया, गैस हो गया, और सॉल्वेंट क्या हो गया हमारा, सॉलिड हो गया। तो बेटा ये आप, मैंने एग्जांपल दिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कितने सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो सकते हैं, मैंने सारे केसेस की यहाँ पर आपको बात कर ली। देखते हैं सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और देखते हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन करके ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आता है। तो आपको मैं यहाँ बोर्ड पे जो प्रॉपर्टीज़ लिखवा रहा हूँ वो आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेंगी जब ऐसा पूछा जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो सॉल्यूशन आपको मैंने अभी बता ही दिया था कि सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। तो इसको हम लिखेंगे, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में लिखते हैं, आपको पता है पार्टिकल साइज क्या था, है इनका वेरी स्मॉल है, कितना स्मॉल होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर, पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल। लेस देन 1 नैनोमीटर, और इतना छोटा होगा तो इसको हम देख पाएंगे आंखों से, नहीं देख पाएंगे, सो इट कैन नॉट बी बी सीन विथ नेकेड आईज, ये भी लिखेंगे क्योंकि हम इनको आंखों से हम पार्टिकल नहीं देख सकते। आप शुगर वाटर के सॉल्यूशन को देखकर आप ये नहीं बोल सकते हो कि शुगर पार्टिकल इधर है, वाटर पार्टिकल दिख रहे हैं आपको, कुछ नजर नहीं आएगा क्योंकि पार्टिकल साइज क्या है, वेरी स्मॉल है। यही मैंने सेकंड प्रॉपर्टीज में लिखा है। जब मैं थर्ड प्रॉपर्टी की बात करता हूँ तो वो मैंने आपको एक्टिविटी करवाई थी लेजर लाइट वाली। तो होमोजीनियस मिक्सचर में से लाइट का पाथ जो होता है बिल्कुल विजिबल नहीं होता है। क्यों विजिबल नहीं होता है, क्योंकि वो बीम ऑफ लाइट को बिल्कुल भी स्कैटर नहीं करती है। तो थर्ड प्रॉपर्टी ये लिखेंगे हम, दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। इसमें अब हम किसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर हमें सेपरेट करना हो तो पार्टी
जो फिल्ट्रेशन टेक्निक होती है उसके जरिए इनको सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता। जैसे आपने एक चलनी ली, चलनी में से शुगर वाटर को आपने पास किया, तो ऐसा नहीं होगा कि शुगर सेपरेट हो गई, वाटर सेपरेट हो गई। तो इनको बाय प्रोसेस ऑफ द फिल्ट्रेशन इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत स्मॉल है, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। तो ये भी हम प्रॉपर्टी में लिखेंगे, द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल आर नॉट डू नॉट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसमें और लास्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे, जो सॉल्यूशन जो होता है वो कैसा होता है बेटा? बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब ये हुआ कि आपने अगर शुगर वाटर का या सॉल्ट वाटर का आपने कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर किया तो आप उसको कई घंटे तक रख सकते हो, कई दिनों तक भी रखोगे तब भी वो जैसा का वैसा ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि वाटर नीचे सेटल हो गई, जो सॉल्ट है वो सेटल हो गया बॉटम में, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आप मड के केस में देखोगे, मड में आपने मिक्स किया मड वाटर, आप कुछ घंटों बाद देखोगे तो सारी मड क्या होती है, बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है। क्योंकि वो वहाँ पर हम कहेंगे कि मड का जो सॉल्यूशन है वो कैसा सॉल्यूशन तो नहीं, वो सस्पेंशन जो है वो कैसा है, स्टेबल नहीं है। पर यहाँ पर जो बात करते हैं तो ये क्या होगा, बहुत स्टेबल होगा। तो इट इज़ अ स्टेबल सॉल्यूशन, ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई। तो लिख सकते हैं इट इज़ अ स्टेबल सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर इस चैप्टर के। बट अब सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सॉल्यूशन के कुछ दो टाइप मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा लिखा हुआ है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। आपने केमिकल रिएक्शन में ये वर्ड लिखा देखा होगा, केमिकल्स के आगे DIL या फिर CONC ये वर्ड लिखा देखा होगा। ये वर्ड रिएक्शन में किसी भी केमिकल के आगे लिखे रहते हैं, तो यही वर्ड है डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा मिलता है। पर इनका मतलब क्या होता है, यह यहाँ पर लिखा हुआ है, डेफिनेशन पढ़िए इनकी। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इज लेस इन अ सोल्यूशन देन वी कॉल्ड सोल्यूशन इज अ डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा कैसा, पतला, अगर हिंदी भाषा में कहें तो बहुत ही पतला। मतलब क्या होगा, उसमें जो सोल्यूट हमने डाला है यानी जो चीज़ हम उसमें मिक्स कर रहे हैं वो क्या होगी, बहुत कम होगी। जब कोई चीज़ बहुत कम होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो डाइल्यूट है। तो वैसे ही सॉल्यूशन के केस में रहता है, अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट बहुत कम हो तो सॉल्यूशन को हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा सेम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जस्ट उसके अपोजिट होगा। अगर इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज मोर देन वी कॉल्ड सॉल्यूशन इज अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन में ज़्यादा है तो हम सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये बहुत ही इजी था, आपको समझ में आया होगा। जनरली ये वर्ड ऐसे लिखा रहता है कि जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, इसके आगे वर्ड लिखा हुआ कंसंट्रेटेड, DIL डाइल्यूट H2SO4, इस तरीके से लिखा रहता है रिएक्शन में। तो वहाँ पर जैसे कई बार रिएक्शन में लिखा रहता था टेक कंसंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन, इस तरीके से लिखा रहता है। तो वहाँ पर आपको ये समझना होगा कंसंट्रेटेड मींस कैसा होगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा क्योंकि उसमें सॉल्यूट क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अगर कोई डाइल्यूट है तो वो कैसा होगा सॉल्यूशन, एसिड के केस में बात करें तो वीक होगा और सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा। अब नेक्स्ट जो लिखा है मैंने सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी हिंदी में कहें तो घुलनशीलता, कोई चीज़ कितनी किसी चीज़ में डिजॉल्व हो सकती है वो उसकी सोल्युबिलिटी कहलाती है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी है वो पढ़ते हैं हम, सोल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब एक क्या होता है कि कोई भी सॉल्यूशन होगा, कोई भी हम सॉल्वेंट लेते हैं तो उसके अंदर हम सॉल्यूट कितना भी नहीं मिला सकते, एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक ही सॉल्यूट मिला सकते हैं। तो सॉल्वेंट कितना सॉल्यूट मिलाएगा ये क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी है। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो सकता है किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट में, तो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। जैसे मान लो मैंने 100 ml वाटर लिया, उसमें मान लो मैंने 100 ग्राम मैंने शुगर डाल दी तो उसमें सपोर्ट डिजॉल्व हो गई, पर 150 ग्राम मैक्सिमम डिजॉल्व हो सकती है। तो 100 ml वाटर की जो सोल्युबिलिटी हो गई वो कितनी हो गई, 150 ग्राम हो गई। तो इस तरीके से क्या होता है, हर एक की क्या होती है, सोल्युबिलिटी होती है।
तो ये ऑर्बिट किस चीज़ पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, प्रेशर, सोल्यूट कैसा है, सॉल्वेंट कैसा है, इन चीज़ों पे डिपेंड करती है, क्योंकि हर सोल्यूट की सोल्युबिलिटी अलग होती है और हर एक सॉल्वेंट की सोल्युबिलिटी अलग होती है। जैसे आप शुगर को डिजोल्व करना बड़ा आसान होता है, पर कोई बड़े बड़े क्रिस्टल होते हैं, जैसे आप गुड़ ले लीजिए, गुड़ को आप डिजोल्व करेंगे उसको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उसकी सोल्युबिलिटी क्या है एज कम्पेयर टू शुगर कम है। टेम्परेचर प्रेशर का भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि किसी गर्म चीज़ में शुगर को आप डालते हो, जैसे गर्म हॉट, जैसे चाय बनती है हॉट टी में, जब आप शुगर डालोगे बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाएगी। वही ठंडे पानी में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो वहाँ पर रोल प्ले करता है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। सेम केस प्रेशर में भी होता है, प्रेशर इंक्रीज करने से भी सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है कि सॉल्यूट कैसा है और सॉल्वेंट कैसा है, इस बात पे हमारी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। अब नेक्स्ट मैंने जो लिखा है वो लिखा है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है पढ़ते हैं यहाँ पर। जब सॉल्यूट सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो कुछ सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाता है सॉल्यूशन में, जिससे क्या होता है सॉल्यूशन का जो क्या लेवल इंक्रीज हो जाता है, एक तरीके से देखा जाए तो उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, और इसी प्रोसेस को डिसोल्यूशन बोलते हैं। मतलब किसी सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हैं और वो उसमें डिजॉल्व होता जा रहा है, इसी को हम डिसोल्यूशन कहेंगे। सिंपल सी भाषा में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि डिसोल्यूशन क्या होता है। ये जरूर पूछा जाता है कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड पूछा जाता है हमेशा, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। एक और प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन पेश जो आपने जो है प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होगी और इस तरीके से पढ़ी होगी, क्या होता है कि हमने कोई कंटेनर लिया, उसमें कुछ सॉल्वेंट लिया और हम सॉल्यूट मिक्स करते जा रहे हैं, सॉल्यूट मिक्स करते जा रहे हैं, तो सॉल्यूट जो होगा वो एक लिमिट तक ही जाके मिक्स होगा, और हम फाइनल लिमिट तक जाके हमने सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में मिक्स कर दिया। उसके बाद मान लो सॉल्वेंट थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा, उसको हमने जैसे ही हमने कूल डाउन किया तो हमारे क्या ऑप्टेन हो गए, क्रिस्टल ऑप्टेन हो गए, इसी को हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। बस हमने इतना पढ़ा था पिछली क्लासेस में, पर यहाँ पर हम वैसे बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम अंदर से बात करेंगे एक्चुअल में हो क्या रहा है सॉल्यूट पार्टिकल के बीच में। होता क्या है कि कुछ सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं वो कोलाइड करते हैं अदर सॉल्यूट पार्टिकल के साथ, और कोलाइड करने की वजह से कुछ पार्टिकल बाहर निकल आते हैं, और जो पार्टिकल बाहर निकल आते हैं उन्हीं को हम क्रिस्टल बोलते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, और सॉल्यूशन के भी जो टाइप हैं डाइल्यूट कंसंट्रेटेड, ये आपको समझ में आए। बेटा अब बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सस्पेंशन आपको मैंने आइडिया दे दिया था सस्पेंशन क्या होते हैं, थोड़ा सा हम इसकी डिटेल में प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। पर उससे पहले हम थोड़ा क्रिस्टलाइजेशन का एग्जांपल रह गया था कि एक एग्जांपल मैं आपको दूं क्रिस्टलाइजेशन का। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है बेटा, इसका अगर हम डेली लाइफ का एक एग्जांपल बताएं तो डेली लाइफ का एग्जांपल होता है कि आपके सॉल्ट बनने की प्रोसेस कहाँ पर होती है, ओशन और सीज में। हम उसमें क्या करते हैं, हम वाटर को वहाँ पर, जैसे मान लो कोई फील्ड है, फील्ड में इस तरीके से हम ब्लॉक बना लेते हैं कई सारे। इस ब्लॉक में हम क्या करेंगे, वाटर स्टोर हो जाता है यहाँ पर। कौन सा वाटर होगा, ओशन और सी वाटर। और ये वाटर स्टोर होने के बाद हम इस पर जब सनलाइट पड़ती है तो इसका क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, इसमें से पानी जो वाटर होगा वो वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट होने लग जाएगा, और वाटर वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट होने लग जाएगा तो सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है, सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, और सॉल्यूशन कैसा होता जाएगा, कंसंट्रेटेड होता जाएगा। और जैसे ही कंसंट्रेटेड होगा तो क्या होगा, कुछ सॉल्यूट पार्टिकल, वही क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ हो जाएगी, सॉल्यूट पार्टिकल आपस में कोलाइड करके सेपरेट आउट हो जाएंगे, और वो सेपरेट आउट होने की वजह से आपको क्या मिलेगा, कॉमन सॉल्ट मिल जाता है जो आप घरों में खाते हैं। इसके अलावा आपने जो है प्रीवियस क्लासेस में कॉपर सल्फेट वगैरह इसके एग्जाम्पल पढ़े होंगे, अपन शुगर के साथ भी कर सकते हैं ये सारी चीज़ें कि जिसमें कॉपर सल्फेट और शुगर को हम डिजोल्व करते जा रहे हैं किसी हॉट वाटर में, फिर उसके बाद हम एकदम उनको कूल डाउन कर दें तो हमें क्रिस्टल ऑप्टेन हो जाएंगे। तो वो सब क्या है होता है बेटा, क्रिस्टलाइजेशन। तो बेटा आप सस्पेंशन देखते हैं, क्रिस्टलाइजेशन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो सस्पेंशन की बात करें तो एक ऐसा मिक्सचर होता है, हेटरोजीनियस मिक्सचर होता है। तो सस्पेंशन जो है आपका हेटरोजीनियस मिक्सचर है। फिर दूसरी बात करें पार्टिकल साइज की सस्पेंशन के जो पार्टिकल साइज होते हैं वो आपको पता है सॉल्यूशन से भी ज़्यादा होता है पार्टिकल साइज, कोलाइड से भी ज़्यादा होता है, तो कितना होगा, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। तो हम लिखेंगे पार्टिकल साइज
मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, पुराने प्रॉपर्टीज में भी मैंने पूरा डिटेल में लिख रखा है, तो आप वहाँ से लैंग्वेज को कॉपी कर सकते हैं चाहे तो। पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। अब एक बात और है कि जब मान लो हमने बीकर में किसी में मिट्टी ली, सॉरी वाटर लिया, वाटर में थोड़ी सी मिट्टी डाली और हमने स्टीयर किया, स्टीयर करने के बाद क्या होगा, मिट्टी उसमें डिजॉल्व हो जाएगी, पर कुछ समय बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि मिट्टी जो है बॉटम में सेटल हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो सस्पेंशन होते हैं वो बिल्कुल स्टेबल नहीं होते हैं, यानी तो हम लिखेंगे इट इज़ अनस्टेबल मिक्सचर। ये क्या है, अनस्टेबल मिक्सचर है। एक और प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जब हम इसमें से लाइट को पास करेंगे तो लाइट को पास करेंगे तो क्या होगा, पार्टिकल साइज इतना बड़ा है कि वो ब्लॉक हो जाएगा पाथ, मतलब लाइट जो है इस तरीके का मैंने अगर बीकर बनाया और इसमें अगर मैंने सस्पेंशन रखा हुआ है तो लाइट यहाँ से पास नहीं हो पाएगी, यहाँ भी पास नहीं होगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ा है, तो हम लिखेंगे इट डज नॉट शो स्कैटरिंग इफेक्ट, मतलब ये स्कैटरिंग नहीं करती है लाइट की। एक लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं इसमें कि अगर हम मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर है, तो हम इसमें अगर सोल्यूट पार्टिकल को अगर सेपरेट करना चाहें सॉल्वेंट पार्टिकल के जरिए, तो आपने घर पे भी किया होगा, जैसे अब घरों में मान लो पानी में मिट्टी ज़्यादा आ रही है या फिर कुछ कंकड़ वगैरह हैं, तो आप क्या करते हो, आप चलनी लगा देते हो, कुछ कपड़ा वगैरह लगा देते हो, तो उसमें से जब वाटर को पास करोगे तो जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो वाटर या वो कपड़े या चलनी में आ जाती हैं। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं इसी बात पे कि इसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, सोल्यूट पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सस्पेंशन क्या होते हैं। अब हम बढ़ते हैं, अब बेटा हम बात करते हैं कोलाइड्स के बारे में। कोलाइड्स के जो पार्टिकल होते हैं वो भी बहुत स्मॉल होते हैं, और कोलाइड को मैंने यहाँ पर अगर आपको याद हो क्लासिफिकेशन में मैंने किस में रखा था, होमोजीनियस में रखा था, कुछ बुक्स इसको हेट्रोजीनियस में भी रखती हैं, मैं होमोजीनियस में कंसीडर कर रहा हूँ, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। वही प्रॉपर्टीज लिखेंगे सेम टू सेम। बेटा एक प्रॉपर्टी आपने अगर याद कर ली तो आपको बस कंपैरिजन याद रखना है, आप बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ को लिख पाओगे। तो पार्टिकल साइज की बात करें तो यहाँ पर कितना होगा, पार्टिकल साइज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा पार्टिकल साइज। तो पार्टिकल साइज ये होता है इनका। थर्ड प्रॉपर्टी लिखेंगे, अब देखो मिल्क वगैरह का आपने जो सॉल्यूशन, मिल्क तो आपने देखा ही है, ऐसा तो नहीं होता कि मिल्क कुछ समय बाद रखने के बाद नीचे जमने लग जाता है, सॉलिड पार्टिकल अलग हो जाते हैं, नहीं होते हैं। तो मिल्क जो होता है ये भी क्या होता है, स्टेबल सॉल्यूशन होता है, इट इज़ अ स्टेबल मिक्सचर। अगर इसको हम कहें स्टेबल मिक्सचर। फोर्थ प्रॉपर्टी लिखें इसके बारे में, अब जब हम इसमें से लाइट पास करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जब हम लाइट इसमें से पास करते हैं तो क्या होता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर देखिए, मैंने जैसे ही यहाँ से लाइट पास की तो लाइट की पाथ इसके अंदर क्या होती है, विजिबल हो जाती है। किसके अंदर, इस बीकर के अंदर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल साइज है वो सॉल्यूशन से बड़ा है, पार्टिकल साइज कैसा होगा, बिगर देन सॉल्यूशन। तो पार्टिकल साइज बड़ा है तो क्या होगा, पार्टिकल से जो लाइट होगी वो कोलाइड होगी, और लाइट कोलाइड होने की वजह से क्या होगी, यहाँ पर लाइट की क्या हो जाएगी, स्कैटरिंग हो जाएगी,
और लाइट की स्कैटरिंग होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, लाइट का पाथ विजिबल हो जाएगा, पर पार्टिकल इतने भी बड़े नहीं है कि पूरे लाइट को ब्लॉक कर दें जैसे कि सस्पेंशन के केस में हो रहा है, और ना ही इतने छोटे हैं कि हमें अपनी आंखों से देख पाएं। पर ये क्या करते हैं, लाइट के जो पाथ होते हैं वहाँ पर लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं, इसलिए आपको क्या होता है, लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। और जो यहाँ पर जो आपको इफेक्ट नज़र आता है, दिस इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। इसका एग्जांपल टिंडल इफेक्ट के काफ़ी सारे हैं और इम्पॉर्टेंट भी है, पूछा जाता है व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। तो इसके लिए एक एग्जांपल होता है कैनोपी, जो फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट का जो ऊपर का शेड होता है उसमें से जब लाइट पास करती है धूप में, तो जब लाइट पास करती है तो क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा लाइट इस तरीके से विजिबल हो जाती है। आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में इसका फोटो भी दे रखा है, मैं बोर्ड पे फोटो नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो लाइट के पास विजिबल हो जाती है। या एक और एग्जांपल अपने जो घर में रूम में होता है कि अगर रूम में मान लो छोटा सा कोई होल हो और उसमें से लाइट आ रही हो अंधेरे कमरे में, तो आपको लाइट पूरी विजिबल दिखेगी, उस लाइट के अंदर आपको धूल के कण ऐसे उड़ते हुए नजर आएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पार्टिकल साइज होते हैं वो इतने बिग होते हैं कि वो क्या कर देते हैं, स्कैटरिंग कर देते हैं, यानी कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं, टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, इसलिए आपको क्या होता है, लाइट का पाथ क्या होता है, विजिबल हो जाता है। तो कैनोपी यानी फॉरेस्ट में से भी जब लाइट अंदर एंटर करती है छन छन, मतलब बहुत छोटे छोटे, पूरा फॉरेस्ट के ऊपर के जो पेड़ होते हैं पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं नीचे, और थोड़ी थोड़ी जगह बचती है पत्तों के बीच में, उसमें से जब लाइट पास करती है तो सेम जैसा रूम में हो रहा है वैसा फॉरेस्ट में होता है, और वहाँ पर भी क्या आपको ऑब्जर्व होता है, टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। तो टिंडल इफेक्ट कौन करता है, यहाँ से हमें समझ में आता है, टिंडल इफेक्ट कोलाइड्स करते हैं, एयर जो होती है, एयर का मिक्सचर भी क्या होता है, एक तरह का कोलाइड ही होता है, तो वो भी क्या करता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, टिंडल इफेक्ट कुछ नहीं है, यहीं पर हम लिख सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स ड्यू टू दिस द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, दिस इफेक्ट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो आपको समझ में आया होगा टिंडल इफेक्ट क्या होता है, तो मैं लिख देता हूँ एक बार, ड्यू टू Due to scattering of light by colloidal particle, the path of light is visible this effect is known as Tyndall effect। So ये टिंडल इफेक्ट होता है, ठीक है बेटा आपको क्लियर हो गया होगा। अब फिर से प्रॉपर्टी की तरफ में आते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी में, इट शो टिंडल इफेक्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें, इनमें भी पार्टिकल का साइज कैसा होता है बेटा, बहुत स्मॉल होता है, तो इनके जो पार्टिकल होते हैं इनको भी बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। This particle are also not the solute particle are not separated by the process of filtration। अब बेटा हमारा जो टॉपिक है वो है कोलाइड्स। कोलाइड्स में क्या होता है बेटा, कोलाइड में दो, कोलाइड्स की अगर बात करें तो दो पार्ट होते हैं, डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम। अब ये वर्ड बड़े अटपटे से हो गए, क्या होता है, तो सिंपल है, अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इनसे क्या बना होता है आपका, कोई भी सॉल्यूशन बना होता है। वैसे ही सेम टू सेम अगर हम डिस्पर्शन फेज की बात करें तो कोलाइड के केस में सोल्यूट जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्पर्शन फेज होते हैं, और सॉल्वेंट जो होता है वो क्या होता है, डिस्पर्शन मीडियम होता है। बाकी इसके अलावा आपको कुछ नहीं समझना है, बस इतना ही समझना है, अगर डिस्पर्शन फेज मीन्स सोल्यूट और डिस्पर्शन मीडियम यानी सॉल्वेंट, किसके केस में बात होती है, केवल हम कोलाइड के केस में बात कर रहे हैं।
सॉल्यूशन में ये वर्ड यूज नहीं करेंगे डिस्पर्शन फेज डिस्पर्शन मीडियम, केवल हम बात करेंगे कोलाइड के केस में डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम की। तो मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम के। तो यहाँ पर देखिए बेटा, अगर मान लो हमारा सॉल्यूट यानी डिस्पर्शन फेज क्या हो, लिक्विड हो, और सॉल्वेंट क्या हो, गैस हो, तो लिक्विड को अगर हम गैस में मिक्स कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं एरोसॉल, और जिसके एग्जांपल हैं फॉग, क्लाउड, मिस्ट। फॉग यानी कोहरा हो गया, क्लाउड यानी बादल हो गए, मिस्ट यानी धुंध होती है। तो हम इन तीनों चीज़ों में देखोगे तो लिक्विड मिक्स है एक्चुअल में किस में, एयर में। तो यहाँ पर क्या है, लिक्विड इन गैस का कॉम्बिनेशन हो गया, दैट इज कॉल्ड एरोसॉल। अगर हम किसी सॉलिड को गैस में डालते हैं तो वो भी क्या होगा, उसको भी हम एरोसॉल ही बोलेंगे। इसका एग्जांपल क्या होगा, स्मोक हो गया जो धुआं निकलता है, और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी, दोनों हो गया। क्योंकि देखो लकड़ी जब जलती है तो वो सॉलिड होती है और वो एक्चुअल में एयर में यानी गैस में मिक्स हो जाती है, तो कोलाइड फॉर्म हो रहा है, उस कोलाइड को बोलते हैं एरोसॉल। एग्जांपल हो गए आपके स्मोक और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। अब हम बात करते हैं गैस को अगर हमने लिक्विड में मिक्स किया, अगर हमने गैस को लिक्विड में मिक्स किया तो दैट इज़ कॉल्ड फोम। फोम जो शेविंग क्रीम वगैरह हम यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, गैस जो लिक्विड होता है उसके अंदर हम गैस फिल कर देते हैं, इसलिए हम जब भी उसको लगाते हैं शेविंग क्रीम को तो एकदम झाग सा आ जाता है, बबल से नज़र आते हैं आपको। तो वो क्या है एक्चुअल में, गैस में लिक्विड। गैस क्या हो गया यहाँ पर हमारा डिस्पर्शन फेज यानी सोल्यूट, और डिस्पर्शन मीडियम क्या हो गया, लिक्विड। अब बात करते हैं लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं तो बेटा यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, इमल्शन। आपने सुना होगा ट्रैक्टर इमल्शन वगैरह जो ऐड आते रहते टीवी पे पेंट्स के, बेटा उसमें क्या है, लिक्विड इन लिक्विड मिक्स है। लिक्विड क्या है, डिस्पर्शन फेज यानी सॉल्यूट है, और वहाँ पर डिस्पर्शन मीडियम यानी सॉल्वेंट वो भी क्या है बेटा, लिक्विड है। इससे एग्जांपल हो गए मिल्क, और लिक्विड इन लिक्विड के एग्जांपल हो गए इमल्शन, मिल्क और शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम बेटा दोनों में आ सकता है, क्योंकि शेविंग क्रीम के अंदर गैस इन लिक्विड भी मिक्स होती है और लिक्विड इन लिक्विड भी मिक्स होता है। अब हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ केस की, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड की बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्व बोलते हैं बेटा। अगर सॉलिड हमारा क्या है, डिस्पर्शन फेज है, और सॉल्यूट क्या है हमारा, लिक्विड यानी डिस्पर्शन मीडियम है, तो उसको हम सॉल्व बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड, यानी आप जो कीचड़ है वो काय का एग्जाम्पल हो गया, इसी का एग्जाम्पल हो गया, जिसमें सॉलिड क्या है हमारा, डिस्पर्शन सॉलिड क्या है, सॉलिड है, और सॉल्वेंट क्या है हमारा, लिक्विड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है बेटा, जो हम एसिडिटी में जो दवाइयाँ पीते हैं ना, डाइजीन वगैरह, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है उसमें। फिर हमारा ये केस है गैस इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर हम क्या मिक्स कर रहे हैं, गैस को मिक्स कर रहे हैं, तो उसका एग्जाम्पल है फोम। फोम को बोलते हैं, तो इसमें फोम आता है, फोम आपने देखा होगा, रबर और स्पंज, ये सारे आपने चीज़ें देखी होंगी, स्पंज के भी आपने यूज़ किया होगा, तो एक्चुअल में क्या है, गैस इन सॉलिड का एग्जांपल है। अब बात करते हैं लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड में मिक्स किया जाए तो उसका एग्जांपल है जेल, तो आपने जेली देखी होगी, चीज़ बटर देखा होगा। अब लास्ट एग्जाम्पल है सॉलिड इन सॉलिड, सॉल्यूट क्या, यहाँ पर सॉलिड डिस्पर्शन फेज भी है और सॉल्यूट यानी डिस्पर्शन मीडियम भी क्या है, दोनों सॉलिड हैं, तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड सॉल्व। उससे जो बनता है उसको टाइप जो होता है, इसमें आते हैं कलर्ड जेमस्टोन। आपने देखे होंगे कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे पत्थर फंसे हुए होते हैं अलग कलर के, तो एकदम जो कैसा होता है डेकोरेटिव एकदम चीज़ बन जाती है कोई, तो वो जो एग्जाम्पल है उसको ही हम कलर्ड जेमस्टोन बोलते हैं। ये सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल है। आई होप आपको जो मैंने पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये मैंने पार्ट वन में था, इसके आगे के टॉपिक हम पार्ट टू में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। थैंक यू बेटा।